वेलकम टू दिस क्लास ऑफ कैलकुलस फॉर बीएससी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स। आई एम डॉक्टर प्रिया सोलोमन, एसोसिएट प्रोफेसर इन डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स एट गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज उदयपुर। आज के लेक्चर में हम कोशीज मीन वैल्यू थ्योरम का प्रूफ और इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। कोशीज मीन वैल्यू थ्योरम का प्रूफ रोल्स थ्योरम को यूज करके होता है, इसलिए हम कोशीज मीन वैल्यू थ्योरम के प्रूफ पर जाएं, इससे पहले रोल्स थ्योरम को जानना आपके लिए ज़रूरी है। तो यहाँ रोल्स थ्योरम का स्टेटमेंट दिया हुआ है। रोल्स थ्योरम के लिए फंक्शन एफ लिया है विच इज़ डिफाइंड इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी, और फंक्शन इस तरीके से लिया गया है। ये एफ ऐसा फंक्शन है जो कि कंटिन्यूस है क्लोज्ड इंटरवल ए बी में, डिफ्रेंशिएबल या अवकलनीय है विवृत अंतराल या ओपन इंटरवल ए बी में, और साथ में इंटरवल के जो एंड पॉइंट्स हैं ए एंड बी उन पे फंक्शन की वैल्यू बराबर है, दैट मीन्स एफ ए इज इक्वल टू एफ बी है। तो अगर ये तीनों कंडीशंस जो कि रोल्स थ्योरम की तीन कंडीशंस हैं, अगर ये सेटिस्फाई होती हैं देन अकॉर्डिंग टू रोल्स थ्योरम देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट सी बिलोंगिंग टू ए ओपन इंटरवल ए बी सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ओपन इंटरवल ए बी में कम से कम एक पॉइंट सी इस प्रकार विद्यमान होगा जिस पर एफ डैश सी की वैल्यू ज़ीरो के बराबर होगी। ये रोल्स थ्योरम है, इसको हम कोशीज मीन वैल्यू थ्योरम के प्रूफ में यूज़ करेंगे। अब हम कोशीज मीन वैल्यू थ्योरम का प्रूफ देखते हैं। तो यहाँ दो फंक्शंस हैं एफ एंड जी डिफाइंड इन द क्लोज्ड इंटरवल ए बी, और ये दोनों फंक्शंस ऐसे हैं कि बोथ एफ एंड जी आर कंटिन्यूस इन द क्लोज्ड इंटरवल ए बी। दोनों ही फंक्शंस एफ और जी डिफरेंशिएबल हैं ओपन इंटरवल ए बी में, साथ में जी डैश एक्स इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू द ओपन इंटरवल ए बी। मतलब इस ओपन इंटरवल ए बी में आप कोई सा भी पॉइंट एक्स लेते हैं, उस पे जो सेकंड फंक्शन है जी उसका डेरिवेटिव जी डैश एक्स इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं सी वन सी टू एंड सी थ्री, दीज आर थ्री कंडीशंस ऑफ कोशीज मीन वैल्यू थ्योरम। तो अकॉर्डिंग टू कोशीज मीन वैल्यू थ्योरम देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट सी बिलोंगिंग टू ओपन इंटरवल ए बी सच दैट एफ डैश सी अपॉन जी डैश सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए डिवाइडेड बाय जी बी माइनस जी ए। अब ये प्रूव करने के लिए देखिए, सबसे पहले हमारे पास जो हमें प्रूव करना है इसमें डिनोमिनेटर में जी बी माइनस जी ए आ रहा है, तो हम प्रूव करेंगे कि जी ए कैनॉट बी इक्वल टू जी बी अंडर द गिवन कंडीशंस ऑफ कोशीज मीन वैल्यू थ्योरम। क्योंकि अगर जी ए इज इक्वल टू जी बी हो जाएगा तो यहाँ पर डिनोमिनेटर ज़ीरो हो जाएगा और उस केस में ये वैल्यू आपके पास इन्फिनिटी के बराबर हो जाएगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि जी ए कैनॉट बी इक्वल टू जी बी। अगर जी ए इज इक्वल टू जी बी हो जाए तो उस केस में देखिए जी सेटिस्फाई करेगा रोल्स थ्योरम की सभी कंडीशंस को, क्योंकि यहाँ कंडीशन सी वन के हिसाब से आपका फंक्शन जी कंटिन्यूस है क्लोज्ड इंटरवल ए बी में, फंक्शन जी डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल ए बी में अकॉर्डिंग टू कंडीशन सी टू, और साथ में अगर जी ए इज इक्वल टू जी बी हो जाए दैट मीन्स एंड पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू बराबर हो जाए, तो रोल्स थ्योरम की सारी कंडीशंस को जी सेटिस्फाई कर देगा। अब रोल्स थ्योरम की सारी कंडीशंस को जी ने सेटिस्फाई कर दिया है, तो फंक्शन जी पे अगर आप रोल्स थ्योरम को अप्लाई कर देते हैं तो एक पॉइंट सी ओपन इंटरवल ए बी में आप ऐसा निकाल पाएंगे बाय रोल्स थ्योरम जहाँ पर जी डैश सी विल बी इक्वल टू ज़ीरो। अब यहाँ पर आप देखिए जी डैश सी इज इक्वल टू ज़ीरो आ रहा है वेयर सी इज़ अ पॉइंट इन द ओपन इंटरवल ए बी। अब ये चीज़ कॉन्ट्रेडिक्ट कर रही है कंडीशन सी थ्री को, क्योंकि कंडीशन सी थ्री में हम कह रहे हैं कि एक्स आप ओपन इंटरवल का कोई सा भी पॉइंट ले लीजिए जी डैश एक्स इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, जबकि यहाँ पर हमारे पास आ गया है कि सी ओपन इंटरवल का एक पॉइंट है
जिस पर जी डैश सी इज इक्वल टू ज़ीरो। तो दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स कंडीशन सी थ्री, और ये कॉन्ट्रडिक्शन जो आया है जी ए इज इक्वल टू जी बी मानने पर आया है। इसका मतलब ये जो अजम्पशन है ये गलत होना चाहिए एंड वी मस्ट हैव जी ए नॉट इक्वल टू जी बी। अब जी ए नॉट इक्वल टू जी बी प्रूव करने के बाद हम एक नया फंक्शन साई डिफाइन करेंगे फ्रॉम क्लोज इंटरवल ए बी टू आर। साई फंक्शन इस तरीके से लिया जाता है जो कि फंक्शन एफ और जी दोनों को इन्वॉल्व करे, जो कि हमारे गिवन फंक्शंस थे, और साथ में ये रोल्स थ्योरम की तीनों कंडीशंस को भी सेटिस्फाई करे। उसके लिए हम साई एक्स को ले रहे हैं इक्वल टू एफ एक्स प्लस ए जी एक्स। यहाँ जो ए लिया गया है, ए ये कांस्टेंट है, और इस कांस्टेंट को हम इस तरीके से डिटरमिन करेंगे कि साई फंक्शन की क्लोज्ड इंटरवल के एंड पॉइंट्स ए एंड बी पर वैल्यू बराबर हो जाए, दैट मीन्स साई ए इज इक्वल टू साई बी हो जाए। अब अगर साई ए इज इक्वल टू साई बी हमको लेना है तो देखिए ये साई की डेफिनेशन जो दे रखी है, यहाँ आप एक्स को ए पुट करेंगे तो साई ए मिलेगा, और इसी तरीके से एक्स को बी पुट करेंगे तो साई बी की वैल्यू मिलेगी। तो ये हमने साई ए की वैल्यू लिखी है एंड दिस इज साई बी। इसमें ये जो ए को कंटेन करने वाली टर्म्स हैं इनको आप एक तरफ लेके इक्वेशन को ए के लिए सॉल्व कर लीजिए तो ए की वैल्यू आपको इस तरह से मिल जाएगी माइनस ऑफ एफ बी माइनस एफ ए डिवाइडेड बाय जी बी माइनस जी ए। दैट मीन्स ए की वैल्यू अगर इसके बराबर लेंगे तो साई ए विल बी इक्वल टू साई बी, क्योंकि साई ए इज इक्वल टू साई बी लेने पर ही आपको ए की ये वैल्यू मिल रही है। इसलिए विद दिस चॉइस ऑफ ए, अगर आप ए को इस तरह से सेलेक्ट करते हैं जैसा कि हमने यहाँ लिया हुआ है, तो आप देख सकते हैं कि ये जो आपका फंक्शन साई है ये कंटिन्यूस हो जाएगा क्लोज्ड इंटरवल ए बी में, क्योंकि साई में दो फंक्शंस इन्वॉल्व हो रहे हैं एफ एक्स और जी एक्स, जो कि दोनों ही कंटिन्यूस हैं क्लोज्ड इंटरवल ए बी में। तो बीइंग द सम ऑफ टू कंटिन्यूस फंक्शंस ये साई फंक्शन भी हो जाएगा कंटिन्यूस इन द क्लोज्ड इंटरवल ए बी। इसी तरीके से कंडीशन सी टू में हमें दे रखा था कि एफ एक्स और जी एक्स जो दोनों हैं दे आर डिफरेंशिएबल इन द ओपन इंटरवल ए बी। इसलिए जो साई है फंक्शन ये भी डिफरेंशिएबल हो जाएगा ओपन इंटरवल ए बी में, बिकॉज इट इज़ द सम ऑफ टू फंक्शंस विच आर बोथ डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए बी। साथ ही ए को अगर आप इसके बराबर लेते हैं तो साई ए इज इक्वल टू साई बी आपको मिलेगा, तो ये साई ए इज इक्वल टू साई बी वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी। तो अब आप देख सकते हैं कि साई सेटिस्फाई कर रहा है रोल्स थ्योरम की तीनों कंडीशंस को, इसलिए रोल्स थ्योरम को हम अप्लाई कर सकते हैं फंक्शन साई पे, और रोल्स थ्योरम को अप्लाई करके ऐसा पॉइंट सी निकाल सकते हैं ओपन इंटरवल ए बी में जहां पर साई डैश सी विल बी इक्वल टू ज़ीरो। अब साई एक्स ये फंक्शन था, इसको आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो साई डैश एक्स आ जाएगा, उसमें आप एक्स इज इक्वल टू सी पुट कर दीजिए तो यू गेट साई डैश सी। तो साई डैश सी हो जाएगा एफ डैश सी प्लस ए जी डैश सी एंड दिस इज इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि साई डैश सी इज इक्वल टू ज़ीरो। इससे आप ए की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए तो ए विल बी इक्वल टू माइनस एफ डैश सी अपॉन जी डैश सी। अब ए की वैल्यू आपको यहाँ से भी मिल रही है और ये भी है, दोनों को आप इक्वेट कर दीजिए तो एफ डैश सी अपॉन जी डैश सी विल बी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन जी बी माइनस जी ए एंड दिस कंप्लीट्स द प्रूफ ऑफ कोशीज मीन वैल्यू थ्योरम। अभी जो हमने कोशीज मीन वैल्यू थ्योरम देखी उसमें हमारा फंक्शन क्लोज्ड इंटरवल ए बी में डिफाइंड था। अगर हम राइट हैंड एंड पॉइंट बी को ए प्लस एच से रिप्लेस कर दें तो कोशीज मीन वैल्यू थ्योरम को दूसरी तरीके से भी रीस्टेट किया जा सकता है। वो कैसे होता है आप देखिए,
अगर दो फंक्शंस एफ एंड जी आपके डिफाइंड हैं क्लोज्ड इंटरवल ए ए प्लस एच में, देखिए बी की जगह ए प्लस एच लिया हुआ है, और ये फंक्शंस इस तरीके से हैं कि दोनों कंटिन्यूस हैं क्लोज्ड इंटरवल ए ए प्लस एच में, दोनों डिफरेंशिएबल हैं ओपन इंटरवल ए ए प्लस एच में, और साथ में जी डैश एक्स इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू द ओपन इंटरवल ए ए प्लस एच। तो हम एक ऐसा पॉइंट निकाल सकते हैं बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। अब देखिए ये जो पॉइंट्स हैं, लेफ्ट हैंड एंड पॉइंट है ए जिसको हम लिख सकते हैं ए प्लस ज़ीरो एच, राइट हैंड एंड पॉइंट है ए प्लस एच जिसको हम कह सकते हैं ए प्लस वन एच। तो ए प्लस ज़ीरो एच एंड ए प्लस वन एच के बीच में एक पॉइंट होगा ए प्लस थीटा एच। तो देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट थीटा बिटवीन ज़ीरो एंड वन सच दैट एफ डैश ए प्लस थीटा एच अपॉन जी डैश ए प्लस थीटा एच। फर्स्ट फॉर्म में यहाँ एफ डैश सी अपॉन जी डैश सी आता था, अब सी की जगह हमने दोनों एंड पॉइंट्स ए एंड ए प्लस एच के बीच का पॉइंट लिया है, दैट इज ए प्लस थीटा एच। तो एफ डैश ए प्लस थीटा एच अपॉन जी डैश ए प्लस थीटा एच दिस इज इक्वल टू एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए डिवाइडेड बाय जी ए प्लस एच माइनस जी ए। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है कि पॉइंट ए और ए प्लस एच के बीच में लेना है, दैट मीन्स ए प्लस ज़ीरो एच एंड ए प्लस वन एच के बीच में। तो द पॉइंट विल बी ए प्लस थीटा एच वेयर थीटा लाइज बिटवीन ज़ीरो एंड वन, दैट मीन्स इन द ओपन इंटरवल ज़ीरो वन। तो ये आपका सेकेंड फॉर्म हो गया कोशीज मीन वैल्यू थ्योरम का। प्रॉब्लम सॉल्विंग में जहाँ आपको थीटा निकालना हो इस फॉर्म का यूज़ किया जाता है, और अगर प्रॉब्लम में आपको सी निकालने को पूछा गया है तो फर्स्ट फॉर्म को यूज़ किया जाता है। अब हम कोशीज मीन वैल्यू थ्योरम पे बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं। तो यहाँ फर्स्ट एग्जांपल में देखिए आपको फंक्शंस दे रखे हैं एफ एक्स एंड जी एक्स डिफाइंड इन द क्लोज्ड इंटरवल ए बी, और हमें निकालना है वैल्यू ऑफ सी ऑफ कोशीज मीन वैल्यू थ्योरम। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये जो दोनों फंक्शंस हैं एफ एक्स एंड जी एक्स, ये कोशीज मीन वैल्यू थ्योरम के सभी कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हैं, क्योंकि बोथ ऑफ देम आर कंटिन्यूस इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी, डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए बी, और साथ में जी डैश एक्स इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू द ओपन इंटरवल ए बी। तो बाय कोशीज मीन वैल्यू थ्योरम हम निकाल सकते हैं सी बिलोंगिंग टू ओपन इंटरवल ए बी सच दैट एफ डैश सी अपॉन जी डैश सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन जी बी माइनस जी ए। अब ये एफ डैश सी अपॉन जी डैश सी निकालने के लिए पहले हम एफ डैश एक्स निकालेंगे एफ एक्स को डिफ्रेंशिएट करके, और जी एक्स को डिफ्रेंशिएट करके जी डैश एक्स निकाला है। इनमें आप एक्स इज इक्वल टू सी पुट करेंगे तो यू गेट एफ डैश सी एंड जी डैश सी। अब इन्हें आप यहाँ सब्सटीट्यूट कर दीजिए तो ये एफ डैश सी अपॉन जी डैश सी से ये वैल्यू आपको मिल जाएगी। दिस इज इक्वल टू ये एफ बी माइनस एफ ए डिवाइडेड बाय जी बी माइनस जी ए। अब ये जो बी टू द पावर थ्री बाय टू है इसको आप लिख सकते हैं बी टू द पावर वन बाय टू होल क्यूब, दैट इज रूट बी का होल क्यूब, एंड दिस इज ए टू द पावर वन बाय टू होल क्यूब, दैट इज़ अंडर रूट ए का होल क्यूब। इसी तरीके से डिनोमिनेटर में ये है बी टू द पावर माइनस वन बाय टू होल क्यूब जो यहाँ लिखा हुआ है, दिस इज एक्चुअली वन अपॉन अंडर रूट बी होल क्यूब। और इसी तरीके से ये जो है दिस इज ए टू द पावर माइनस वन बाय टू होल क्यूब विच इज इक्वल टू वन अपॉन अंडर रूट ए होल क्यूब। अब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को आप ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला फॉर्मूला लगा के फैक्टर्स बना लीजिए। तो ये न्यूमरेटर को फैक्टराइज करेंगे यू गेट दिस क्वांटिटी, डिनोमिनेटर को फैक्टर्स बनाने पर ये क्वांटिटी आपको मिलेगी।
जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको आप सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये माइनस सी क्यूब के बराबर आ रही है। अब डिनोमिनेटर में जो पहला फैक्टर है इसको आप अंडर रूट ए बी एल सी एम लेके सिंप्लीफाई कर लीजिए, और सेकंड फैक्टर को ए बी एल सी एम लेके सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये वाले जो दोनों फैक्टर्स हैं वो नीचे कैंसिल हो जाएंगे और आपके पास सिर्फ माइनस ए बी टू द पावर 3/2 रह जाएगा। अब ये माइनस सी क्यूब इज इक्वल टू माइनस ए बी टू द पावर 3/2 है, क्यूब रूट दोनों तरफ ले लेते हैं तो सी की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट ए बी विच इज स्क्वायर रूट आपने लिया है तो ये ज्योमेट्रिक मीन है ए एंड बी का, इसलिए दिस विल बिलोंग टू ओपन इंटरवल ए बी। तो ए एंड बी के बीच में आपको ऐसा पॉइंट सी मिल गया है जैसा कि कोशीस मीन वैल्यू थ्योरम के हिसाब से आना चाहिए। तो ये जो आपके पास वैल्यू आई है सी की, दिस इज द सी ऑफ कोशीस मीन वैल्यू थ्योरम। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, यहाँ एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स एंड जी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स दिया गया है। एक्स बिलोंग कर रहा है क्लोज्ड इंटरवल 0π/2 में, दैट मींस दोनों जो आपके फंक्शंस हैं एफ एंड जी दे आर डिफाइंड इन द क्लोज्ड इंटरवल 0π/2। आपको निकालना है सी ऑफ कोशीस मीन वैल्यू थ्योरम। तो आप देख सकते हैं कि ये जो दोनों एफ एक्स और जी एक्स हैं ये क्लोज्ड इंटरवल 0π/2 में कंटिन्यूस हैं और ओपन इंटरवल 0π/2 में डिफरेंशिएबल भी हैं। जी डैश एक्स आप देख सकते हैं, जी डैश एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स। अब ये साइन एक्स की वैल्यू 0 होती है एट एक्स इज इक्वल टू 0, लेकिन एक्स इज इक्वल टू 0 ओपन इंटरवल 0π/2 का पॉइंट नहीं है। क्लोज्ड इंटरवल में तो 0 इंक्लूडेड होता है, लेकिन ये ओपन इंटरवल 0π/2 अगर हम लेते हैं तो इसमें ये एंड पॉइंट्स एक्सक्लूडेड रहते हैं, इसलिए ओपन इंटरवल के किसी भी पॉइंट पे साइन एक्स विल नॉट बी इक्वल टू 0। सो साइन एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू दिस ओपन इंटरवल 0π/2। इसलिए ये जो फंक्शंस हैं एफ एंड जी ये कोशीज मीन वैल्यू थ्योरम की सभी कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहे हैं। देयरफॉर बाय कोशीज मीन वैल्यू थ्योरम यू कैन फाइंड सी बिलोंगिंग टू ओपन इंटरवल ए बी सच दैट एफ डैश सी अपॉन जी डैश सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन जी बी माइनस जी ए। अब फंक्शन एफ एंड जी को डिफ्रेंशिएट करके एफ डैश एक्स निकालिए एंड जी डैश एक्स निकालिए। यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे तो एफ डैश सी अपॉन जी डैश सी आ जाएगा, तो दिस इज एफ डैश सी अपॉन जी डैश सी, दिस इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन जी बी माइनस जी ए। अब यहाँ पर साइन पाई बाई टू इज इक्वल टू 1 और यहाँ पर कॉस 0 इज इक्वल टू 1, साइन 0 एंड कॉस पाई बाई टू दोनों की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो ये आपके पास माइनस 1 के बराबर आ रहा है। क्रॉस मल्टीप्लाई करके यू गेट कॉस सी इज इक्वल टू साइन सी, एंड कॉस सी इज इक्वल टू साइन सी हम जानते हैं सी इज इक्वल टू पाई बाय 4 पे होता है, और जैसा कि आप देख सकते हैं पाई बाय 4 बिलोंग्स टू द ओपन इंटरवल 0π/2। तो ये कोशीज मीन वैल्यू थ्योरम के सी की वैल्यू है पाई बाय 4 विच लाइज इन द ओपन इंटरवल 0π/2। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, यहाँ हमें प्रूव करना है कि साइन अल्फा माइनस साइन बीटा डिवाइडेड बाय कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा इज इक्वल टू कॉट थीटा, वेयर अल्फा एंड बीटा दोनों ही 0 एंड पाई बाय 2 के बीच में हैं। यहाँ पर दो फंक्शंस साइन फंक्शन एंड कोसाइन फंक्शन इन्वॉल्व हो रहे हैं, इसलिए हम एफ एक्स को साइन एक्स एंड जी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स लेंगे। अब आप देख सकते हैं कि एफ एक्स एंड जी एक्स दोनों ही कंटिन्यूस होंगे क्लोज्ड इंटरवल अल्फा बीटा में, क्योंकि ये अल्फा एंड बीटा दोनों ही 0 एंड पाई बाय 2 के बीच में है, तो क्लोज्ड इंटरवल अल्फा बीटा में दोनों फंक्शंस कंटिन्यूस रहेंगे, ये डिफरेंशिएबल रहेंगे ओपन इंटरवल अल्फा बीटा में।
और साथ में जी डैश एक्स, आप डिफरेंशिएट करिए जी एक्स को, तो जी डैश एक्स इज माइनस साइन एक्स, ये हमेशा नॉट इक्वल टू जीरो रहेगा फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू द ओपन इंटरवल अल्फा बीटा, क्योंकि आप यहाँ देख सकते हैं कि अल्फा इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो, और साइन एक्स इज इक्वल टू जीरो तभी आएगा जब एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो अल्फा क्योंकि स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो है इसलिए फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू दिस इंटरवल साइन एक्स कभी भी जीरो नहीं होगा, ये इसलिए जी डैश एक्स विल बी नॉट इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू द ओपन इंटरवल अल्फा बीटा। एफ एक्स एंड जी एक्स को आप डिफ्रेंशिएट करके एफ डैश एक्स एंड जी डैश एक्स भी निकाल लीजिए। अब आप देखिए ये दो जो कंडीशंस यहाँ हैं ये कोशीज मीन वैल्यू थ्योरम की कंडीशंस हैं कि दोनों फंक्शंस कंटिन्यूस हैं क्लोज इंटरवल में, डिफरेंशिएबल हैं ओपन इंटरवल में, एंड जी डैश एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू दिस ओपन इंटरवल। इसलिए बाय कोशीज मीन वैल्यू थ्योरम हम अल्फा एंड बीटा के बीच में एक पॉइंट निकाल सकते हैं जिसको हम थीटा कह रहे हैं। यूजुअली इस पॉइंट को सी लिया जाता है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि हमें प्रॉब्लम में थीटा प्रूव करना है इसलिए हमने पॉइंट थीटा लिया है बिलोंगिंग टू द ओपन इंटरवल अल्फा बीटा। तो बाय कोशीज मीन वैल्यू थ्योरम ये पॉइंट ऐसा होगा सच दैट एफ डैश थीटा अपॉन जी डैश थीटा विल बी इक्वल टू एफ बीटा माइनस एफ अल्फा अपॉन जी बीटा माइनस जी अल्फा। अब एफ डैश थीटा एंड जी डैश थीटा की वैल्यू आप इन रिलेशंस को यूज़ करते हुए सब्सटीट्यूट कर दीजिए, तो ये एफ डैश थीटा अपॉन जी डैश थीटा है एंड राइट हैंड साइड आ जाएगी एफ बीटा माइनस एफ अल्फा अपॉन जी बीटा माइनस जी अल्फा। अब लेफ्ट हैंड साइड आप देख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा विल गिव यू माइनस कॉट थीटा, राइट हैंड साइड में हमने कोई चेंज नहीं किया है। अब यहाँ पर रिजल्ट में क्योंकि आपको कॉट थीटा चाहिए तो कॉट थीटा लाने के लिए ये जो नेगेटिव साइन है इसको आप राइट हैंड साइड पे ट्रांसफ़र कर दीजिए, तो ये कॉट थीटा आ जाएगा इक्वल टू, ये न्यूमरेटर में साइन चेंज कर रखा है, साइन अल्फा माइनस साइन बीटा डिवाइडेड बाय कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा, जो कि हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट है। दिस एंड्स आवर डिस्कशन ऑन कोशीज मीन वैल्यू थ्योरम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।